हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप देख रहे हैं इसके ग्रुप ब्लॉग चैनल। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखीमपुर से और मैलानी के मध्य में ट्रेन संचालन को लेकर। जैसा कि कुछ यूट्यूबर भी बता चुके हैं आप लोगों को, 15 दिन में ही ट्रेन संचालन शुरू हो जाएगा और जो तैयारियाँ हैं की जा रही हैं। और DRM मैम जो हैं 3 फरवरी को फिर से निरीक्षण करेंगी। लखीमपुर से होते हुए गोला जाएंगी, मैलानी जंक्शन तक जाएंगी। जो कार आप लोगों ने देखी थी इससे पहले, जो येलो रंग पीले रंग की कार गई थी, वही कार जो है फिर से उसी कार में मैम फिर से आएंगी और लखीमपुर होते हुए गोला मैलानी तक निरीक्षण करेंगी। और 15 दिन में जो बताया गया है कि ट्रेन संचालन जो है प्रारंभ कर दिया जाएगा। देखते हैं, फिलहाल ये न्यूज़पेपर जो है मैलानी खीरी का हिंदुस्तान पेपर है, आज से 2 दिन पहले निकाला गया था। हमारी न्यूज़ जो है थोड़ा सा विलंब इसलिए आ रही क्योंकि थोड़ा सा घर पर कार्य था, इस वजह से हम इस वीडियो को थोड़ा सा लेट से डाल रहे हैं। फिलहाल आप लोगों को सूचित करना चाहते थे कि काफ़ी दिन हो गए, 5 सितंबर 2019 को स्पीड लोको ट्रायल किया गया था। उस ट्रायल में 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंजन को दौड़ाया गया था। ट्रायल भी सफल रहा, उसके एक महीने में ही लगभग कंप्लीट कर लिया गया, यानी कि 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को दो चरण में जो CRS संपन्न किया गया था। पहले चरण में संपन्न किया गया था लखीमपुर से और गोला के मध्य में, दूसरे चरण में संपन्न किया गया था गोला से मैलानी तक। और उसी दिन यानी कि 26 अक्टूबर को ही फिर से स्पीड ट्रायल किया गया था ताकि जो भी कमियां हैं वो भी निकल के आएँ, उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके, ट्रेनों का संचालन हो सके। उसके बाद अभी तक इतना टाइम देख सकते हैं, अक्टूबर से इतना हो गया, अभी ट्रेन संचालन नहीं हो पाया। और जबकि छोटी मोटी ही कमियां थी, कोई ज़्यादा बड़ी कमियां नहीं निकल कर आई थी, और उसके बाद भी इतना टाइम लग गया। और देखते हैं अब न्यूज़पेपर में फिर से ये प्रकाशित किया जा रहा है कि 15 दिन में ही ट्रेनों का प्रारंभ हो जाएगा, ट्रेनों का संचालन हो पाएगा। फिलहाल हम भी ये ऑथेंटिक नहीं मानते हैं जब तक DRM का जो ऑफिशियल लेटर या जो भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आती है, तब तक हम आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से जो निकलता है वही अपने चैनल पर अपडेट कर पाते हैं, या फिर कहीं सरकारी वेबसाइट पर या जो इंडियन की वेबसाइट है उस पर कहीं पर भी आता है तब भी आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाएंगे। फिलहाल जो न्यूज़पेपर में है उसके माध्यम से जो निकला है वो आप लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी देख सकें, जो भी न्यूज़पेपर में निकाला गया था अन्य लोगों तक यह खबर पहुँच सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेन से रिलेटेड कोई भी जानकारी जैसे ही अपडेट मिलेगी कोई, तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल आप लोग बने रहिएगा, ऐसे प्यार बनाए रखें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चले मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।